लोग अंदाजा हो गया नहीं वो ये मजा आ गया बच्चा सा आ गया ये भाई माशाल्लाह ये जो स्टेक बर्गर है ना ये नेक्स्ट लेवल हो गया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे, गुड होंगे, बेहतरीन होंगे। सलाम का कुछ समझ में नहीं आ रहा, हल्के बोल भाई। सलाम करा ऐसे भाग रहे, कोई कुत्ता। अच्छा, आज मेरे साथ मौजूद है सोनू भाई और आज मैं इन लोगों को लेके आया हूँ। फहद है मेरे साथ, दानियल है मेरे साथ, और कैमरे के पीछे है वो, कैमरे के पीछे है। और आज हम लोग जायरो आए हुए और इधर का खाना टेस्ट करेंगे और आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। सोनू भाई यार, मैं एक चीज से खुश हूं, उस बंदे ने तरक्की कर ली, गटरों से हट के काला पानी और पता नहीं क्या क्या दिखाते रहता था। मैं बदबू, आप अच्छी जगह आ रहे, तिक्की की खुशबू आ रही, रेस्टोरेंट में आ गया इस बंदे में। मुझे तो लग रहा था सारी जिंदगी इसकी गटरों में निकल जाएगी और वहीं पर ये शादी। अच्छा, इन्होंने जो है ना मुझे पीछे पड़ गए, इन्होंने कहा यार खाने की तरफ भी आ जाओ। तो मैंने कहा यार, सोचा कि आप लोगों के पास वीडियोस नहीं आ रही थी मेरी और बहुत दिन हो गए थे कोई वीडियोस नहीं मैं डाल रहा था। यार सोनू भाई गायब था मैं पब्लिक से। क्यों गायब था, क्या हुआ था? तेरी इधर चल रही थी, इधर चल रही थी सोनू भाई, तबियत खराब थी। अच्छा कॉन्टेंट, और ये बहुत अच्छा कॉन्टेंट है, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। तो हम चलते हैं अंदर और चल के सारे रिव्यू भी देते हैं आपको, खा के भी ऑनेस्ट रिव्यू देना है हमने। अब इसके बाद आपसे मुलाकात कराएंगे फहद की, तो चलो आ जाओ फहद। तो अब जो है वो फहद से भी मुलाकात कराते हैं। फहद ये आ गए, बहुत दूर से आ रहे हैं। अच्छा बहुत दूर, अरे भाई बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा तुम्हारे भी रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे, ये बेचारे कवार हैं। इनके नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। यार मैं कवा रहा हूँ भाई, ये जफर ना नंबर दे रहे हैं सोनू भाई का, अगर किसी को चाहिए हो ना ऐसा मुथड़ा, ऐसा गंदा संदा आदमी नाले से उठ गया है, नाले से ये उठ गया। अभी जो है हम अंदर चल के, भूख भी लग रही है यार, इतनी दूर भी आए और सारी आपको एड्रेस भी बताएंगे और इधर क्या क्या स्पेशलिटी है वो भी बतानी है। तो बस चलते हैं, चलते हैं, बहुत भूख लग रही है। और बाबर भाई भी आ चुके हैं, बाबर भाई से भी मुलाकात कराते हैं। चलो आ जाओ भाई। लेकिन यहाँ का स्पेशलिटी क्या है, और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं बाबर भाई के, जिन्होंने बाबर भाई ने तो हमें बुलाया, लेकिन इनके रेफरेंस से हम आए हैं और इधर खाना खाने के लिए आए हैं और इनके रेस्टोरेंट को हम एक्सप्लोर करने आए हैं कि कैसा खाना है इनका। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पर खोला है और इसके अलावा एड्रेस वगैरह हमारी पब्लिक को बताएं और स्पेशलिटी क्या है यहाँ की। पैनल जी आपको वेलकम यहाँ पे, थैंक यू। और हमारा जो ये रेस्टोरेंट का नाम है ये न्यूयॉर्क जायरो, इस नाम से आपको पता लगा होगा कि हमारी स्पेशलिटी जो है वो जायरो है। असल में ये रेस्टोरेंट खोलने का मकसद यहाँ पे ये था कि लोग अभी तक नहीं जानते कि जो ऑथेंटिक स्ट्रीट स्टाइल जायरो है वो कहाँ से आया और कहाँ पर मिलता है। तो ये एक इजिप्शियन डिश है जो न्यूयॉर्क में आके बहुत फेमस हुई, और मैं न्यूयॉर्क से तालुक है मेरा, मैं न्यूयॉर्क में होता हूँ, वहीं पे ब्रांचेस हमारी, हम यहीं पे इसको ब्रांच अप किया, ये फर्स्ट ब्रांच है हमारी कराची में। तो हमारा यही मकसद था कि हम इसको इंट्रोड्यूस कराएं यहाँ पे और लोगों को बताएं कि ओरिजिनल जायरो बेसिकली होता क्या है। तो अभी हम आपको टेस्ट भी कराएंगे, आपको पता लगेगा इसका फ्लेवर किस किस्म का है। तो बाकी आप फिर ऑनेस्ट रिव्यूज दें और बताएं कैसा लगा आपको। ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए आए हैं और यहाँ पर टेस्ट करते हैं क्या खिला रहे हैं हमें पहले ये जो आप बोले सर। नहीं, यहाँ पर स्पेशलिटी बारबेक्यू हमारा बहुत फेमस है, द फेमस इसलिए है क्योंकि ये नॉन ट्रेडिशनल बारबेक्यू है। हम लोग 12 से 13 इसमें हमने डिफरेंट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस कराए हैं जो आपको मेरा नहीं ख्याल कि हर रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल हैं। और इट्स नॉट लाइक ट्रेडिशनल बारबेक्यू कि आपने एक टिक्का बोटी लगाई और आपने दे दिया। तो अभी आपको वो भी टेस्ट कराते हैं, जैसे लबनानी बोटी होगी हमारी, अचारी बोटी होगी, लेमन पेपर कबाब हो गए, रेड पेपर कबाब हो गए, धागा कबाब हो गया, कॉकटेल कबाब हो गया, डिफरेंट किस्म के कबाब इंट्रोड्यूस कराएं और आने वाले वक्त में और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो इंशाल्लाह आप जब खाएंगे तो आपको पता लगेगा। आपने हमें इतने सारी चीजें बताई ना, सोनू भाई का पेट में गुड़गुड़ होना स्टार्ट हो गए, भूख लगना स्टार्ट हो गए, कैमरे के पीछे बैठ के कह रहे हैं आओ लाओ लाओ। चले अब टेस्ट करते हैं हम लोग, चले जी आ जाए। अच्छा जी, ये तो अंदर का सूरत हाल दिखाऊं मैं आप लोगों को, अंदर की भी सूरत हाल ये देखें आप। पहले तो लिखा हुआ है ना, खाओ पियो ऐश करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खाओ पियो और ऐश करो। और सुनो भाई आप क्या कहते हैं, खाओ पियो और ऐश करो? खाओ पियो ऐश करो और फिर खाओ पियो ऐश करो, यही करते रहो, यही करते रहो। अच्छा फहद भाई भी खाओ पियो ऐश करो नाम सुन के ना मेरे पेट में चूहे दौड़ने लग गए। अभी सबसे मुझे बात करानी है, अब जब फोड़ेंगे तो फिर आएगा मजा। हाय हाय हाय, अब आएगा। लेकिन हम लोग ज्यादा खाएंगे ये कम खाएंगे।
आप कैसे बोल सकते हो इसकी गिज अच्छी नहीं, क्या चले लगा लो भाई, शर्ट लग चुकी है। सोनू भाई ज्यादा खाएंगे या फिर मैं ज्यादा खाऊंगा? ठीक है, ये अंदर का ये दिखा देते हैं भाई, ये देखेंगे, ये पूरा इनका अंदर का है और एड्रेस जो है वो आपको पूरा मैं बताऊंगा और मेरे साथ जितने भी आए हुए हैं उनसे भी मुलाकात कराते हैं, तो बाहर की तरफ चलते हैं और बाबर भाई से भी मुलाकात कराते हैं। बाबर भाई के भी क्या कहने हैं, ये गटरों से निकल के आया है, साफ सुथरा गटरों में था, काला पानी, पता नहीं क्या गड्ढे और ये वो उधर, ये गटर देखें, ये गटर देखो, नालियां दिखा, आप अच्छी जगह पे आया, चेंज किया है भाई, मतलब मुझे लग रहा था बंगी बनने आ रहा सुपरवाइजर बंगी होंगे। अच्छा चले जी, अब बाहर चलते हैं। तो ये फाद भाई रेडी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? हां रेडी है, रेडी है, रेडी बस हाँ, रेडी है, रेडी सही है, सही है, सही है, रेडी है। और सोनू भाई हमारा पूरा गैंग, ये देखे दानियल भाई, इसको तो ला छोटे भीम को छोटे भीम को छोटा भीम छोटा भीम क्या बना के रहो, बनाते क्या, करते क्या तू? मैं खेलता हूं उससे। क्या खेलता है? छोटा चीटर, छोटा चीटर खेलता है। सोनू भाई इधर आओ, आप क्या बोलना चाहोगे, मतलब इस बारे में खाना खाने से पहले क्या बोलना चाहोगे, कुछ बोलो। खाना खाने से पहले जो है ना, मैं हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ जो वीआईपी खाना खाता हूँ। बाज होगा अगर मुझे टिंडे खाने हो ना, ये कोई मेरे मतलब का खाना होना, वैसे तो बिस्मिल्लाह की शक्ल शैतान जैसी है। इधर आओ ना, इधर नहीं आओ ना, कैमरा है, बोल ना। हालांकि इनकी शक्ल शैतान जैसी है, जफर थोड़ा नीचे कर रही है, नीचे करना है, इनकी हाइट बहुत छोटी है माशाल्लाह से। हालांकि इनकी शक्ल बहुत शैतान जैसी है, मगर ये उस मुंह पे भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हैरत है। क्या हो गया? मुंह दिखाओ उनका, मुंह दिखाओ, मुंह देखो, वो थोड़ा और करीब कर लो तो पब्लिक डर जाएगी मेरी, पब्लिक बोलेगी ये कहां आ रहा। तो अभी अभी हम खाएंगे खाना फुल मंडा मंडाई करेंगे, और जो बात कर रहा था वो तो खैर बीच में रह गई, चलो ये टांग उड़ा दीजिए। हां क्या 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 कह रहा था कि खाना जब वीआईपी बनता है ना, तो मैं हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं। जब बाजू का टिंडे बनते हैं ना, तो कोई दाल वगैरह बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, वो शैतान को खानी पड़ती है। इसको हाथ देखो कैसे कांप रहा है, हाथ क्यों कांप रहा है तेरा, हाथ क्यों कांप रहा है? मौलवी साहब ने बोला कबूल है कबूल है, हाथ कांप रहा दे रही हूं, मुझे डर लग रहा है कि कैमरा हाथ से छूट ना जाए, तो उसकी वजह से जो है मेरा हाथ कहाँ पूरा है। बस खाना खाएंगे तो हाथ का अपना बंद हो जाएगा, लग रही है। अब खाना खाते हैं, अब खाना बस, चलो भाई चलो। या मरहबा, खाना आ चुका है भाई, अब खाने के बाद ही हम आपको रिव्यू देते हैं सारा। खाना खाते खाते नहीं देते, खाना खाते खाते देते हैं यार। मैं तो कह रहा हूँ कि बात एक एक पहले धागा भाई, ये पहला बाइट ले रहा है फात। फात बताओ भाई, ऐसा लग रहा है तुम धन पॉइंट पे पूछ रहे हो, थोड़ा खाने तो दो अंदर तो उतर जाए। चले जी अंदर उतर जाए बात के, फिर उसके बाद बात से पूछेंगे यार, सुकून से रिव्यू देते ना। अच्छा भाई, तो अभी हमने मैंने तो खाना खा लिया है और अभी बाकी हमारे खाना खा रहे हैं, और आप लोग पीछे देख सकते हैं ये अभी खाना चल रहा है और सारी चीजें यहाँ पर अभी एक्सप्लोर की जा रही हैं। तो अभी खाने का टेस्ट भी बताते हैं आपको, मैंने तो बहुत सारे खाया और ये आप लोग देखें। क्या बात है, क्या बात है भाई, अब जो है रिव्यू लेना स्टार्ट करते हैं हम। चलें जी पहले तो बाबर भाई से बात करते हैं, बाबर भाई को कैसा लगा? बाबर भाई जी कैसा लगा? बाबर भाई, भाई मैं तो जैसे काफी दफा खाया है और इनका फास्ट फूड बर्गर बारबेक्यू का कोई जवाब नहीं है भाई। ऑनेस्ट रिव्यू है भाई, यहाँ पर आए एक दफा खाए और फिर बताइएगा कैसा लगा है भाई, बहुत बेहतरीन है, कमाल है भाई। जायरो आए ट्राई करें और फिर बताएं। जफर भाई को, जफर भाई को नहीं आपको, वो इधर ऑनर को। ये खाना खा रहे हैं अभी इनके, अभी भाई मैं तो सारे रेस्टोरेंट भूल गया हूँ, सिर्फ न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं है। हर चीज का जायका लाजवाब है, बेमिसाल है, जरूर आए ट्राई करें आप खुद भी। कैसा लगा? बहुत। ये जो है ना, इनकी एक मासूमियत चेहरे पर देखें, आपके एक अलग ही चेहरे पर मासूमियत है, खाना खाने के बाद भी इनको एनर्जी आई नहीं है। चाह क्या रहे हो तुम यार? मैं चाह रहा हूँ खाना ऑनेस्ट रिव्यू दो, बहुत 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 जबरदस्त, नो डाउट, बहुत आउट के था। हाँ। ये माइक पकड़ो, माइक पकड़ो, ये तुमने जो शॉट दिया है ना, ये बताओ कैसा लगा?
लोगों का अंदाजा हो गया इसलिए वो ये मजा आ गया बच्चा सा आ गया ये भाई माशाल्लाह ये जो स्टेक बर्गर है ना हाँ। ये नेक्स्ट लेवल हो गया इसमें थोड़ी सी सॉस की कमी है वो देख रहे मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दे थोड़ी सी सॉस की कमी है सॉस अगर मैं तो सॉस ज्यादा पसंद करता हूँ जो लोग सॉस ज्यादा नहीं पसंद करते उनको तो मजे का लगेगा और जो स्टेक है ना चिकन स्टेक है ऐसा मुंह में घुल रहा है जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट है सुभान अल्लाह आप बताएं कोई रिव्यू यार नो डाउट मतलब बर्गर जो है उसका लोग पेटी पेटी कहते हैं लेकिन उसका जो कबाब है यहाँ अंदर जो स्टेक रखा हुआ है वो इंतहाई ज़बरदस्त है फ्रेश है और बहुत ही आला है मजा आया आपको बिल्कुल मजा आया मैं कहता हूँ मतलब चस आ गई चस क्या होती है हाँ भाई चस आ गई यार मैंने तो भाई बर्गर खाया नहीं तो मैं अभी क्या बोल लूँ उससे पहले बहुत जबरदस्त था यार नो डाउट बहुत जबरदस्त टेस्टी बर्गर से पहले बहुत चीजें खा चुका हूँ सब फोड़ चुका हूँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा हमारे तरफ के इलाकों की गटरों की नाले वहाँ तुम्हें कॉन्टेंट मिल जाएगा चलाना गुज्जर नाला तुम अच्छा जी ये यहाँ के शेफ हैं जिनके हाथ चूमने को मेरा दिल चाह रहा है और बहुत ही अच्छा लगा इनका खाना खा के और यकीन करें इनके हाथ में एक जायका ही अलग है और बाहर के आप खाने खाते हैं बादी को खाते हैं और वो थोड़ा डिफरेंट होता है और यहाँ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ऐसा क्यों है भाई यार ये बिल्कुल जो है ना नए आइटम है बाहर के आइटम है सही है अच्छा होटल का बाहर से मंगवाया सारा नहीं अच्छा, बनाते यहाँ है लेकिन अच्छा, ये पाकिस्तान में पहली दफा हम लोग जो है उसको चला रहे हैं अच्छा, 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 तो यहाँ के जो सबसे पसंद वाला और अच्छा आइटम है जिसको लोग पसंद करते हैं वो है औरंगी के पसंद है जो आपको नजर आ रहे हैं तो ये प्लेट में दो सीख हम लोग देते हैं तो इनको काफी लोग जो है ना पसंद करते हैं जब एक दफा खा के जाते हैं तो दोबारा जरूर उधर आते हैं इसको खाने के लिए क्या इसका बनाने का क्या अंदाज है क्या इसका बनाने का ये अंदाज है कि ये बिल्कुल जो है ना दूसरे रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ है क्योंकि खुश्क होता है ज्यादातर इसमें जो है ना तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता और जो एक दफा खा के जाता है तो वो इंशाल्लाह दोबारा जरूर आता है और इसके अलावा जो है ना दूसरी हमारे पास जो आज का जो खास आइटम है वो है लबनानी बोटी क्योंकि हफ्ते में जो है ना हर रोज नया आइटम जो है ना एक आइटम चेंज होता है अच्छा। तो आज का जो है ना हमारे लिए वो लबनानी बोटी दिखाएं पब्लिक को अपने हाथ पर तो ये लबनानी बोटी है तो प्लेट में दो सीख ही जाती है और एक सीख में तीन बोटियां सही है तो ये जब इंशाल्लाह चिकन में जब ये खाते हैं तो फिर इंशाल्लाह दोबारा जरूर आते हैं हमारे पास इसके अलावा जो है ना ये रेड चिल्ली कबाब है अच्छा तो ये भी माशाल्लाह यहाँ का पसंदीदा डिश है तो इसको भी लोग माशाल्लाह से मुनासिब है आप लोगों के पास जी रेड भी हमारे को मुनासिब पूछ लेते जी तो जी एड्रेस ये है स्कीम 33 में नियर सुमेरा चौक और शॉप नंबर 6 है ये आप गूगल मैप्स पे जाएं और वहाँ जाके आप लिखें न्यूयॉर्क जायरो तो ये एड्रेस पॉप अप हो जाएगा इसके अलावा जो वीडियो अपलोड करेंगे भाई तो उसमें लिंक भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में भी लोकेशन सब मिल जाएगा सब मिल जाएगा आपको यार मुझे तो मजा आ गया खाने में जो शेफ है उनसे भी अभी मिलवाता हूँ उनका नाम है होर अब्बास और वेरी नाइस गाय और उनका टेस्ट तो आपने देख लिया बिल्कुल बर्गर वगैरह बुला के लाता हूँ बिल्कुल बहुत मजा आया मुझे खाना खा के और बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ मैं और यकीन करें इनके बारबेक्यू और बर्गर सब आउट क्लास थे इनका जैरो कौन सा था बीफ जैरो खाया इन्होंने और इसके अलावा चिकन जैरो खाया कॉम्बो भी होता है जिसमें मिक्स होता है तो आपने बिल्कुल लाजवाब मजा आ गया दिल गार्डन सा हो गया बहुत मुंह में लबे शीरी सा हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे एक्सप्लोर करते हुए आप लोगों को कैसा लगा हम लोगों का आज का रिव्यू तो वो भी जरूर बताइएगा और सारी चीजें हमें बताइएगा फात भाई अभी खाना खाने में लगे हुए सोनू भाई भी खाना खाने में लगे हुए और मैं यहाँ से अपने व्लॉग को करूंगा एंड और सारी चीजें आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद